लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बाबा विश्वनाथ में मंदिर पैच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में कहा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के आदेश का पालन करता हूं। उनका संतोष है कि मेरा पैच उनका संतोष ही मेरा जीवन मंत्र है। चुनाव में काशी को लेकर निश्चिंत था, इसलिए बाबा केदारनाथ के दरबार में जाकर बैठ गया था। वाराणसी सीट से दूसरी बार जीतने के बाद मोदी का यह पहला दौरा है। नामांकन के दौरान उन्होंने यहां रोड शो करके कहा था कि जीत के बाद आऊंगा धन्यवाद करने। मोदी ने कहा, पार्टी और कार्यकर्ता जो आदेश करते हैं मैं उसका पालन करने का प्रयास करता हूं। पिछले महीने 25 तारीख को मैं यहां था, जिस आन बान शान के साथ काशी ने एक विश्व रूप दिखाया था उसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया। कार्यकर्ताओं ने मुझे आदेश दिया था कि आप एक महीने तक आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। देश ने भले ही पीएम बनाया हो लेकिन आपके लिए कार्यकर्ता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव परिणाम तो गणित होता है लेकिन अब देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि अर्थमैटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग के हिसाब से परे भी केमिस्ट्री होती है। देश की समाज की शक्ति जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है वो सारे गुणा भाग को पराजित कर देती है। इस बार भी अंकगणित की केमिस्ट्री ने पराजित किया है। मोदी ने कहा, 18 से 19 तारीख को मन हुआ कि काशी चले जाएं लेकिन आपने आदेश दिया है, यह बाबा नहीं तो कोई और बाबा, शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है। इसका कारण मोदी नहीं बल्कि आपका परिश्रम है, काशी का विश्वास है। नतीजे आए तब भी मैं निश्चिंत था, मौज के साथ केदारनाथ बाबा के चरणों में जाकर बैठ गया था। आपको बता दें कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मोदी को पिछले बार के तुलना में इस बार 107,721 वोट ज्यादा मिले हैं। 2014 में मोदी को 371,784 वोट से जीते थे और इस बार यह अंतर 489,505 वोट का रहा। गठबंधन प्रत्याशी शालिनी यादव दूसरे नंबर पे तो वहीं कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे। SPN9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।